क्रिकेट का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में कौन आता है? सचिन तेंदुलकर। बॉलीवुड की जब बात होती है तो कौन याद आता है? अमिताभ बच्चन। इसी तरह दुनिया में कहीं भी अगर वाइल्ड लाइफ की बात हो और इस शख्स का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इन्होंने 1907 से 1938 तक 19 टाइगर्स और 14 लेपर्ड्स का शिकार किया। शिकार करने के बावजूद इनका वन्य जीवन से प्रेम बढ़ता रहा और इतना बड़ा कि नैनीताल में बना इनका घर आज एक म्यूजियम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिम कॉर्बेट की, जिनका 1957 में भारत के पहले टाइगर रिजर्व की स्थापना में बहुत बड़ा हाथ था। और अपने जीवन काल में जिम कॉर्बेट कई सारी रिमोट जगह पर रुक के बाघों का शिकार करते थे। वो बाघ के बिहेवियर को पढ़ इंसान की तरह नहीं बल्कि बाघ की तरह सोचते थे। और ऐसी एक रिमोट लोकेशन पे हम आ गए, जहां रुक के जिम कॉर्बेट ने मोहान के मैन ईटिंग टाइगर्स को ट्रैक किया था। यहाँ पे जिम कॉर्बेट बैठते थे? हाँ जी। यहाँ से ऊपर से देखते थे कि कहाँ है? हाँ जी। वाह, और उनका उस टाइम की उसी टाइम का ये साल की लकड़ियां हैं सब। ये वॉशरूम बने उधर, किचन इधर, स्टोर। हाँ। और उस टाइम तो राजा ही थे, आए तो सब गांव के जितने भी थे भर जाता था यहाँ पर। खाना यहाँ जिम कॉर्बेट जी रुकते थे ना? जब मैन ईटर को पकड़ने के लिए रोज नहीं, तो घर उनका वही है तो यहाँ जैसे कभी उस टाइम खबर आई तो थे नहीं, तो लोगों से पहुंच जाती थी खबर की उधर है आजकल मैंने कर, तो तब वो कभी आ गया एक दो घंटे के लिए या क्या है, देख लिया उन्होंने मोमेंट कुछ ग्रोलिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, किधर को क्या है, सब समझ जाते थे। तो फिर जहाँ जाना है पकड़ने के लिए। हाँ। ये तो उस आजादी के भी पहले की बात है ये सब। ये है 1932। हाँ। 33 ऐसे ही। 36 में पार्क बना था जिम कॉर्बेट जी, उन्हीं के नाम पे। 36 में बना था? 36 में हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पहले पार्क, हेली बना था ना। हाँ। उसके बाद बना और रामगंगा। हाँ। अब ये लास्ट में बना, लास्ट में जिम कॉर्बेट। लगता ही नहीं सुन के कि जिम कॉर्बेट इंसान का नाम है ना। हाँ। ऐसा वो छप गया है, लगता है कि जिम कॉर्बेट इज इक्वल टू टाइगर पार्क। टाइगर पार्क। हाँ जी। हाँ, ऐसा हो गया है ना। हाँ। हम तो बाद में, हम लोग भी जब बच्चे थे हमें जिम कॉर्बेट, फिर वो काल मूवी आई थी उससे थोड़ा आइडिया लगा। हाँ, तो भी उसकी शूटिंग भी इधर सिंगर काल की इधर कहीं। अच्छा, इधर ही हुई। उमेश जी के साथ वॉक करते करते हम यहाँ आ गए और आज से लगभग 100 साल पुराने किस्से कहानियां सुनने लगे। और जिम कॉर्बेट के घर के ठीक पीछे हमारी मुलाकात हुई महेश जी से, जो कि वन विभाग के एक कर्मी हैं। महेश जी की पूरी कहानी 4 एपिसोड्स में हमने अपने चैनल पर डाली है, देखने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें। उमेश जी से बातें करते करते और घूमते घूमते वक्त का पता ही नहीं लगा और शाम होने से पहले वापस तन्हाऊ भी पहुंचना था। वापस बढ़ने लगे तो पानी के पास हमें 2 बहादुर बच्चे मिल गए। चलिए आपको भी मिलवाते हैं। हेलो। नमस्ते। क्या नाम है बेटा आप लोगों का? रूपा। बहुत प्यारे नाम है। आप ऊपर से, कितना ऊपर है आपका घर? यहाँ डर नहीं लगता आपको? कभी देखा है आपने लेपर्ड या टाइगर? नहीं। टाइगर देखा? कहाँ पे? तो इस जंगल वॉक में तो हमें बहुत मजा आया, ऐसा लगा जन्नत का दौरा कर रहे थे। आप खुद ही देखिए पीछे का जो व्यू है,
कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा, पर आंखों से ये स्वर्ग ही नजर आ रहा था। लगभग 5 बजे के आसपास हम वापस आ गए और रास्ते भर बस एक ही बात सोचते रहे। यहाँ पे तो दूर दूर तक इंसान नहीं दिखता, बस पहाड़ और नेचुरल ब्यूटी। तो ऐसे में अपनी ह्यूमन लाइफ को बैलेंस करके चलना काफी मुश्किल है, और यही सवाल हमने सुनंदो से भी पूछ लिया। So how do you maintain a balance between city life, your personal life, and the work you do here? So city life, I don't know whether I maintain as much balance really, because I think increasingly I'm spending more and more of my time here. I honestly go to the city now only when I have work which I is piled up. So that too I try to pile up. There are a couple of meetings, I'll wait till I have 3-4 meetings piled up, then I'll go to Delhi for a week or go to Bombay or Bangalore. So that's that, but otherwise, it's mostly here. And here it's a matter of, you know, I do work from here. So here it's a matter of balancing being here and doing stuff centered around wildlife, conservation, guests coming in, etc., as well as managing my work. That's kind of okay. Over a period of time, I've kind of figured out how to make that work. कैसे मुस्कुरा के सुनंदो ने जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक और सवाल आया। आज के जमाने में इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब कि वो एक काम करता है तो डरता है कि दूसरा ना छूट जाए, और दूसरा करता है तो डरता है कि तीसरा ना छूट जाए। अगर आईफोन लेते हैं तो सैमसंग का फोल्ड होने वाला फोन दिखता है, और टाटा हैरियर लेते हैं तो स्मार्ट वाली हेक्टर दिखने लगती है। तो यहाँ पहाड़ पे बैठ के क्या सुनंदो को भी फोमो होता होगा? ऐसा कभी लगता होगा कि शहर में कुछ ऐसा है जो मिस हो रहा है? So we hear about all these innovations, smart cities, and crazy things happening in the world. Yeah. Do you ever miss cities? Does the FOMO kicks in ever, or you're just happy in whatever life you're living here? I think largely because of the work I do, that part of FOMO doesn't kick in, because the work I do is with startups. Yeah. Okay, you know, I help mostly startups raise money. So as a result of which, you know, sitting here, I mean, today during the day, I'll probably talk to someone doing something in fintech, you know, something cutting edge in fintech, someone doing something in social commerce, someone doing something maybe even in space tech or food tech, etc. So because of the nature of the work I do, I pretty much know a lot of new stuff that's happening, a lot of, you know, conversational AI, this, that, etc. All the new things I'm kind of, so I like that. That's what I enjoy about my work, because sitting here, it still kind of keeps me in touch with what's exciting happening pretty much in India, around the world. So not so much FOMO. Okay. Having said that, of course, you know, if you are in the city, you can get to meet a lot more people, etc. So that I do once in a while. Otherwise, I do it remotely over calls. This behavior is very similar to the behavior of a tiger. Like, they live alone, they avoid humans as much as possible. Yeah. Tigers avoid humans as much as possible, you're right. And I also definitely avoid humans in large numbers, at least as much as possible. But yeah, I think that's where the similarity ends. I won't even compare myself to a tiger. They're in a different league altogether. सुनंदो से बातें चलती ही रहेंगी, पर अब आगे का प्लान था कि जब सुनंदो अपने दिन भर के ऑफिस के काम से फ्री होंगे तो हम एक छोटी सी नाइट ड्राइव पे जाएंगे। इस नाइट ड्राइव का मकसद जानवर देखना नहीं था, बल्कि ये महसूस करना था कि इन पहाड़ों पे सनसेट होता कैसा है। तनहू के आसपास वैसे ही बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, और रात को तो जानवर और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इस नाइट ड्राइव में हम मेन रोड तक गए, जहां से रामनगर चमचमा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिम कॉर्बेट के एकदम कोर एरिया में ह्यूमन पॉपुलेशन से दूर आ चुके हैं। हमें रास्ते में जाते वक्त एक हॉक डियर दिखा, उसने कॉल भी लगाई, पर वो हमारी जीप को देखकर ही थी। पर जब हम लौट रहे थे
तो हमारे सामने से कूद के एक लेपर्ड निकला। रात भर हम यही सोच के खुश होते रहे कि हमको तनहू की वाइल्डनेस में लेपर्ड दिखा, लेकिन अगले दिन जो हमें खबर मिली वो सुनकर हमारे होश उड़ गए। वन विभाग वालों ने बताया कि इसी एरिया के पास रात को एक फीमेल टाइग्रेस के पंजे के निशान थे और लेपर्ड की कोई खबर नहीं थी। तो हमको जो दिखा वो लेपर्ड नहीं बल्कि एक टाइग्रेस थी। मान गए तनहू को, जो काम झिरना ढीला नहीं कर पाया वो इस ऑफबीट होम स्टे ने कर दिया। लेकिन इस एक्सपीरियंस के पीछे की हमारी नीयत जानना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आने वाले लोग उम्मीद लगाएं कि वो रात को यहाँ ड्राइव कर वाइल्ड एनिमल्स को ट्रैक कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नीचे रामनगर में ऐसा हर रोज कर रहे हैं, पर तनहू में इस उम्मीद से ना आए। सुनेंदो ने हमें बड़ी अच्छी बात बोली कि नाइट का टाइम जानवरों का होता है और उस समय वो उनको डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करते। इस नाइट ड्राइव में आगे हमें जंगल हेयर और सांभर भी दिखा। नाइट ड्राइव करके हम वापस तनहू आ गए और खुशी से पागल हो रहे थे कि हमें लेपर्ड दिख गया। तनहू अपने आप में एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पे बना है, तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का आना जाना एकदम नॉर्मल है। चलिए सुनेंदो से यहाँ के कुछ वाइल्ड एक्सपीरियंसेस पूछते हैं। Tell us something about the wildlife encounters you've had here, the kind of unique species you saw, and any peculiar behavior you noted which we don't really see on a safari. Unique species, I think some of the unique species which we've seen around here is, for example, there's an animal called the Himalayan serow. Mm-hmm. Yeah. So we see it very regularly around here now. Very regularly, we can't predict, but yeah, if you walk around these niche thoda idhar udhar forests around, every now and then we do come across them. When we first saw them in about 2014 or something, I forget the year right now, and I managed to capture a photograph, it became big news. It was the first recorded thing in Corbett for 40-50 years kind of thing. Sanctuary, Venturi, everyone, you know, published those photographs and all that. So Sirao is something which is very unique, and wo park ke andar dikhta nahi hai, bahut kam dikhta hai. Then the other thing which we have here, which we see every now and then, are the black bears. Yeah. Black bears also in the park at all, wo jhinna vinna mein sloth bear dikhta hai. Himalayan black bear dikhta nahi hai. Pehle Kanda ke aas paas kabhi kabhi dikhta hai, but now no one even goes to Kanda, so you never hear of any sightings. Other than that, not as uncommon, but we see very easily around here. If you just go for a walk to this place called Godi, which is up there, mountain goats, the gorals. Okay. So they're also pretty cool to see. In terms of birds, we get, you know, this cottage we call the chukar. So we get these chukar partridges, which are typically seen in much higher altitude places. But in winter, from about December to about March, they come around here. So those are some of the unique species. But otherwise, a lot of people are very surprised when you tell them that elephants come around here and all that, because you've seen the terrain here. Yeah, the people don't imagine that elephants will come around here, but we have a lot of elephant movement around here, especially monsoons and winters. In summers, because there's not so much water, they don't come up here so much, but still they do once in a while. Wildlife encounters, though, you know, we've had multiple ones. I was telling you about the one we had a few days back at Martin Point, where there was this tusker and I was out for a walk with six of my dogs. So, you know, managing the dogs and, you know, not getting charged by the tusker mock charged us. That becomes funny sometimes. Otherwise, there were multiple encounters. For example, again,
there was this incident where this tigress with, we came across this tigress with two cubs on the road, and I didn't know that there were the cubs were there. So I saw the tigress going down of the road and, you know, drove to try to see her, and she came charging at the car because her cubs were there, so she was protective about them. Then it was lovely. We managed to see her and the cubs for about half an hour by giving them a lot of space. So multiple incidents like this. I think a lot of it is just when you're driving around and something happens, like yesterday when we saw a leopard. You know, yeah. So it's fun. I mean, even yesterday when we saw the leopard, we had our dog with us. Yeah. You know, the dog leopard in an open gypsy coming face to face. But usually it's all good. तो सुना आपने कैसे तनहू चारों ओर से यूनिक स्पीशीज से घिरा हुआ है, और एक दो बार तो अच्छा मूवमेंट होने पे सुनंदो ने अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ट्रैप कैमरा भी लगा के देखा है। चलिए आपको भी दिखाते हैं उस ट्रैप कैमरे की फुटेज। जिस रास्ते पे बाघ चलता है उस पर पैदल चलने की हिम्मत कम ही लोग जुटा पाते हैं, और कल सुबह हम इसी रास्ते पे मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे। किस्मत से हमारे साथ सुनंदो, उमेश जी और 6 डॉग्स होंगे। और हाँ, एक और बात, तनहू का डिनर भी बहुत अच्छा था। हमने चाइनीज बनवाया था और अपने रूम के बाहर बैठ के तारों की छांव में मजे से खाया था। तो इसी के साथ इस तीसरे एपिसोड का भी एंड करते हैं। अगर आपने पहले 2 नहीं देखे तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके देख लें। हम भारत के अलग अलग जंगल घूमते रहते हैं और ऐसी बहुत सी वीडियोस रेगुलरली अपने चैनल पे डालते रहते हैं। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।